हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मम्मास मैजिक में। और आज हम बनाएंगे तंदूरी फिश। तो चलिए तंदूरी फिश बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 3 क्लीन क्यू है पॉम्फ्रेट फिश, जिसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इसमें आपको इस तरह से चाकू से कट लगाना है, ताकि बाद में जब इसे मैरिनेट करें तो इसके अंदर मसाला अच्छे से जा सके। दोनों तरह से हमें कट लगाना है, ताकि जो हम भी मसाला तो इसमें अच्छी तरह से अंदर तक फील हो, इसके लिए हमें इस तरह से इस पर कट लगाना है। तो देखिए, हमने इस पर कट लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इस पर कट लगाया है। ये हमारी फिश रेडी है। अब इस पर हम डाल देंगे नमक। हम इसे फर्स्ट टाइम मैरिनेट कर रहे हैं, उसके लिए हमें ऐड कर देना है इस पर नमक। और यहाँ पर हम आधा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, और नमक तीनों फिश पर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। दोनों साइड से हमें ऐड कर देना और हाथों से इसे रब कर दें। अब इस पर ऐड कर दें 1 चम्मच लेमन जूस, और दोनों तरह से अच्छी तरह से इसे मिला लें। अभी हम फिश है वो फर्स्ट टाइम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला रेडी करने के लिए हम लेंगे एक बाउल, और एक बाउल में ऐड कर देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डाल दें आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये जो सेकेंड टाइम हम मैरिनेट करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है तंदूरी मसाला। अगर तंदूरी मसाला ना हो तो आप उसकी जगह 1/4 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। अब इसमें ऐड कर देंगे लगभग आधा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसमें ऐड कर दें 1 चम्मच लेमन जूस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वादानुसार। यहाँ पे लगभग हमने आधा चम्मच नमक लिया है और इसे ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लें, और ये मसाला यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अब जो हमने फिश मैरिनेट होने के लिए रखा था वो भी रेडी हो गई है। अब जो हमने मसाला रेडी किया है, उसके ऊपर हम इस मसाला को लगा देंगे। मसाला को लगाने के बाद हमें अच्छी तरह से हाथों से इसे अंदर तक फील करना है। तो ऊपर से आप अच्छी तरह से मसाला को रब, एक मोटा सा लेयर लगा दें, फिर फिश के अंदर भी इस मसाला को फील करें। ये फिश खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से आपको मसाला फील करना, अच्छी तरह से लगाना, एकदम प्रॉपर वे में इसे लगाएं, तो खाने में आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, हमने फिश के ऊपर मसाला लगा कर अच्छी तरह से रेडी कर लिया। अंदर भी हमने इसे मसाला को अच्छी तरह से फील किया है। अब इसे हम ओवन में कुक करेंगे। तो चलिए इसे ओवन ट्रे पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ओवन ट्रे के ऊपर रख दिया। नीचे हमने फॉइल पेपर रखा, ताकि जो ड्रिपिंग है गिरे तो इसके ऊपर ही गिरे। तो चलिए अब इसे ओवन में कुक कर लेते हैं। तो हमें इसे ओवन में 20 मिनट तक कुक करना है। दोनों साइड से 250 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे कुक करेंगे। 10 मिनट्स एक साइड से कुक करेंगे, 10 मिनट्स फिर फ्लिप करके दूसरी साइड भी हम 10 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। फिश जो होती है बहुत जल्दी कुक हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 20 मिनट्स इनफ है। तो यहाँ पे हम 250 डिग्री सेल्सियस पे फिश को 20 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। ये देखिए, 20 मिनट्स हो चुका है, और जो हमारी तंदूरी फिश है बन के रेडी है। देखिए, बनिए ना, बहुत बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी तंदूरी फिश बन के रेडी है। तो चलिए अब इसे कर देते हैं सर्व। सर्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसे कर देंगे गार्निश। और देखिए, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही डिलीशियस ये तंदूरी फिश बन के रेडी है। आई होप आपको हमारी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।